23 जून को उज्बेकिस्तान में भी हम मोदी चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने कहा है कि आयोग ने सलमान को चिट्ठी लिखी है कि इसमें पूछा गया है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। मंगलम ने कहा कि 7 दिन के अंदर माफी मांगे सलमान, नहीं तो आयोग बुलाया जाएगा। तेज बारिश के कारण जम्मू के ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। इस वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। कई सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है और इन सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। 25 जून से स्मार्ट सिटीज का काम शुरू हो रहा है। स्मार्ट सिटी कार्यों की विधिवत शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे से करेंगे। इस दिन जयपुर में स्मार्ट सिटी को लेकर कई एमओयू भी होंगे। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में सीएम राजे ने रेप पीड़ित बच्चे का हाल जाना। साथ ही सीएम राजे ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की बात कही। अलवर में झारखंड पुलिसकर्मी युवती को रस्सी से बांध कर ले जाते दिखाई दिए। दरअसल दहेज प्रताड़ना के मामले में झारखंड पुलिस ने एक युवती को अलवर की बैंक कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। टोंक में बेकाबू रोडवेज बस ने फुटपाथ पर बैठे 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाकी 3 युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। जहाजपुर में एक कैलपोश मकान पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहाजपुर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जम्मू के कालाडेरा थाना इलाके के गांव गोरी का पास में 2 बाइक्स में टक्कर हो गई। हादसे में 2 बाइक चालक बुरी तरह से घायल हो गए। घायल 2 बाइक चालकों को गंभीर हालत में जम्मू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भीलवाड़ा में कुछ बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला करके लूट लिया। आसीन थाना के कालसास चौराहे पर दंपत्ति पर कुछ लोगों ने लाठियों और सरियों से हमला कर 8 तोले सोने के गहने लूट लिए। पोखरण के छोटे से गांव के निवासी मोहम्मद माली ने बिजली बचाने के लिए 2000 रूपये में यंत्र का निर्माण किया, जिससे रोजाना लाखों यूनिट फालतू खर्चे हो रही बिजली को बचाया जा सकता है। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पीएम नरेंद्र मोदी ने 32,000 लोगों के बीच में योग किया। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि योग पाने का नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। ये परलोक का विज्ञान नहीं बल्कि हिलोक का विज्ञान है। जयपुर में योग दिवस भव्य कार्यक्रम नमस्ते स्टेडियम में योग दिवस से सीएम राजे ने योग किया। हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल हुए। सीएम राजे ने एसएमएस अस्पताल में देश का पहला योग और आयुर्वेद चिकित्सा ओपीडी का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम के साथ चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल योग डे के मौके पर केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट और प्रदेश के उद्योग मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर ने जोधपुर के उम्मीद स्टेडियम में योग किया। योग दिवस के मौके पर उम्मीद स्टेडियम में ही मुख्य कार्यक्रम था। मंच पर योग गुरु आसन बता रहे थे। सीकर में विश्व योग दिवस कार्यक्रम के नाम पर खानापूर्ति की गई। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कई विभागों के कर्मचारी नहीं पहुंचे और कई काफी देरी से पहुंचे। कार्यक्रम में बिजली पानी कृषि और विभागों के कर्मचारी नहीं आए। भीलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में योग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने योगाभ्यास किया। योग के सभी आयामों को संजीदगी से पूरा करते हुए जवान योग को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं और योग इनके दिनचर्या का नियमित हिस्सा भी है। केशवरापाटन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कापरण कस्बे में पार्क में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ में विश्व योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजकीय नेहरू मेमोरियल एलपीजी कॉलेज के खेल मैदान में योग दिवस मनाया गया। प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक, जिला कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में नागरिकों ने योग किया। बूंदी में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा ने भी योग कर लोगों का उत्साह बढ़ाया। योग के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। योग करीब 1 घंटे तक चला। झुंझुनू में जिला स्तरीय योग शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री और श्रम मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने हिस्सा लिया। केशव आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित हुए योग शिविर में जिले के प्रभारी सचिव कलेक्टर एसपी ने भी शिरकत की। भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री कृष्णेन्द्र कौर दीपा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। आमजन के अलावा सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लेकर योग किया।
उदयपुर में भी विश्व योग दिवस के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर शहर के कई हिस्सों में कार्यक्रम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। योग दिवस पर बीकानेर के रेलवे ग्राउंड में स्वस्थ रहने के लिए योग किया गया। वहीं स्वस्थ भारत को साकार करने की मुहिम को अंजाम दिया गया। इस मौके पर बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल, विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी, देवी सिंह भाटी भी मौजूद रहे। इंडेक्स ने अपना एक्वस सेंस 5.1 लॉन्च किया है। एंड्रॉयड लॉलीपॉप पर चलने वाले इस स्मार्टफोन की कीमत 3,999 रुपए है और इससे पहले ग्रे शैम्पेन और व्हाइट कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। करीना कपूर खान का कहना है कि वो फिलहाल छोटे पर्दे पर डेब्यू नहीं करना चाहती। टीवी उन्हें प्रभावित नहीं करता और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। करीना ने कहा कि टीवी के लिए सेफ उनसे ज्यादा अच्छे ऑप्शन है। ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म मोहनजोदड़ो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें भरपूर एक्शन, ड्रामा, रोमांस और एडवेंचर है। फिल्म 12 अगस्त को रिलीज होगी।